नमस्कार, मैं हूं देवांशु। जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं वो अक्सर कहा करते हैं गार्डनिंग का तो शौक है, लेकिन इस शौक को पूरा कैसे करें, जगह ही नहीं हमारे पास। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त धनंजय जी, जो मिसाल हैं कि अपनी छोटी सी बालकोनी में इन्होंने कई सारे पौधे लगाए हैं और सब्जियाँ तक उगा रहे हैं। हम इस वक्त पटना के छज्जू बाग इलाके के एक अपार्टमेंट में हैं, जहाँ पर धनंजय जी का ये घर है। और इस घर में आपको क्या क्या है, खुद धनंजय जी के पास लेके चलते हैं और पूछते हैं क्या क्या है आपके पास और किस तरीके से आप सब्जियां भी उगा रहे हैं अपार्टमेंट में रहते हुए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनंजय कुमार है और मैं ये टीएन बनर्जी के रोड में रहता हूं। और देखिए, आदमी को शौक जो होता है, शौक को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि छोटे से फ्लैट में खेती नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसका उदाहरण हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये हमारा मात्र 80 स्क्वायर फीट का एक छज्जा है, पोर्टिको। पोर्टिको के ऊपर मैंने अपना एक गार्डनिंग कर रखा है। लास्ट ईयर से मैंने शुरुआत किया था और लास्ट ईयर हमारे यहाँ मतलब स्ट्रॉबेरी हुआ, गोभी, बंदा गोभी, नेनुआ, ये करेला, इस तरह से बहुत सारे सब्जी हुए थे यहाँ। इस बार मैंने कोशिश किया हूँ, प्रयास किया हूँ कि पपीता उगाने का। और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए सामने पपीता मेरा हुआ है, बन नहीं गया। तो ऐसा नहीं है, आप भी अपना शौक अगर है तो आप छोटे से छोटे बालकोनी में भी आप इसको आप कर सकते हैं। पपीता कौन उगाता है, पपीता का ख्याल क्यों है? आप पपीता का ख्याल इसलिए कि देखिए पपीता बहुत मतलब फायदेमंद चीज़ है। हाँ। और देखता हूँ जहाँ तक हो जाता है तो मुझे शौक हुआ कि ये क्यों नहीं एक बार इसे इस छज्जे पे उगा के देखा जाए। तो मैंने एक प्रयास किया है और ये मुझे कामयाबी मिली है मुझे। और इसके अलावा इधर देख रहा हूँ कि सब्जियाँ भी लगी हुई है, गोभी लगा हुआ है इधर। हाँ, अभी बहुत सारे गोभी हमारे जो है गिलहरी खा गए हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, थोड़ा सा जाल लगा नहीं सकता हूँ। और आप छोटे से छोटे जगह में जब भी आप ये करते हैं, ये कृषि से संबंधित काम करते हैं, तो उसका एक एक तरीका है। आप देखिए, मैंने एक ये स्टैंड बना रखा है, लोहे के स्टैंड पे ये प्लास्टिक का सीट डाल के इसमें मैंने मिट्टी रखा है। इससे कहीं आपका कोई जगह बर्बाद नहीं होगा और आप आराम से इस काम को कर सकते हैं। ये आपने स्पेशल बनवाया है लोहे का? जी जी जी, स्पेशल अपने दिमाग से अपने डिजाइनिंग करके इसको मैंने बनवाया है। और फिर लोहे वाले को बुलवाया होगा? हाँ, लोहे का स्टैंड बना, मतलब ये स्ट्रक्चर बनवा के उसके अंदर मैंने ये प्लास्टिक का सीट डाल दिया और सीट को पैकिंग करके उसमें मिट्टी डाल दिया है। हाँ, और ये फाइबर का जो है? हाँ, फाइबर का है। और ये मिट्टी कैसे आपने तैयार किया है? मिट्टी हमने, मैं ये नौबतपुर में हमारा एक मित्र रहता है। हाँ। उसने मुझे इसमें काफ़ी मदद की है, उसका नाम राजीव रंजन है, वो काफ़ी मदद किया मुझे। मैं नौबतपुर गाड़ी लेकर गया था, वहाँ से 10 बोरा खाद लेकर आया हूँ और 25 बोरा मिट्टी मैंने मंगवाया था एक आदमी के माध्यम से और दोनों को मिक्सिंग करके मैंने उसे बनाया है। अच्छा, खाद क्या लाए थे नौबतपुर से आप? नौबतपुर से वो सूखा गोबर, सूखा हुआ खाद रहता है, गोबर का बना हुआ होता है। हाँ। उसी को मिक्सिंग करते हैं। हाँ। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। हाँ। सिर्फ गोबर का खाद का इस्तेमाल किया है मैंने। हाँ। थोड़ा थोड़ा शौक भी पूरा हो जा रहा है, एंगेजमेंट भी हो जाता है गार्डनिंग के जरिए। बहुत अच्छा एंगेजमेंट होता है। आप ये ऐसा शौक है कि आपका टाइम कैसे बीतेगा आपको पता नहीं चलेगा और मन को बहुत सुकून मिलेगा। आपके यहाँ अगर एक फल भी होता है, एक सब्जी भी होती है, तो आपको लगेगा कि भाई हमारे घर में कितना बड़ा मतलब उत्सव सा हो गया। इस तरह से होता है, उसकी कीमत पे मत जाइए। हाँ। कीमत पे मत जाइए, लेकिन शौक को बरकरार रखिए। हाँ। शौक होना है। और वो गमले में ये प्याज है, प्याज है। हाँ। ये करी पत्ता है। हाँ। और वो बाकी सब गोभी लगा हुआ है, ये सब गोभी लगा हुआ है, सब गोभी है सब। हाँ। इधर नींबू है। हाँ। ये देखिए, ये नींबू का गाछ है ये। और ये ऑल स्पाइस है, ऑल स्पाइस। घर में कभी भी पूजा पाठ होता है तो उसके लिए पान का पत्ता भी लगा रखा है हमने। पान पत्ता यहाँ से इस्तेमाल करता हूँ, पान का पत्ता भी है यहाँ पे। ये करेला भी आप देख सकते हैं, करेला अभी बस होने वाला है। करेला तो बहुत होता है। तो कैसे चढ़ा आपको गार्डनिंग का शौक? सर, लॉकडाउन के समय में काफ़ी मतलब बेरोजगारी हो गई थी, कुछ काम नहीं था, तो मैंने सोचा क्या किया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे काफ़ी वेस्टेज पड़ा हुआ था, तो इसको मैंने साफ सफाई किया, खुद से किया। और करने के बाद इसी में मैंने एक दिमाग लगाया कि कैसे इसमें हम ये प्लांटेशन कर सकते हैं। तो मैंने वही स्टैंड बनवाए, ये सारे स्टैंड बनवाए मैंने, स्टैंड बनवा के और तब उसमें पौधारोपण किया।
और सबसे पहले तो मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी लगाया था जो कि और कहीं है वहाँ उस तरफ बालकोनी में लगा हुआ है, और हमारा लगता है पहले सीजन में कम तो 25-30 स्ट्रॉबेरी मेरे यहाँ हुआ था, बहुत अच्छा स्ट्रॉबेरी हुआ। यहाँ स्ट्रॉबेरी का भी पौधा मैंने लगा रखा है, और देखिए अभी हमारे पास 8-9 पौधे हैं और जिसमें फूल आ चुका है, और एक आध हफ्ते के अंदर उसमें फल भी आ जाएगा। देखिए फूल सब आ चुका है, लेकिन सभी घर के कोने कोनों का आपने इस्तेमाल किया है। घर के कोनों कोनों का इस्तेमाल किया है मैंने। और ये लगता है कि ये खिड़की का साइड है। हाँ, खिड़की का साइड। देखिए बालकोनी से लेकर जहाँ भी इनके फ्लैट में खिड़की है, जहाँ पर भी थोड़ी बहुत धूप आ सकती है, इन्होंने फाइबर के ज़रिए लोहे के जरिए मदद से इन्होंने जुगाड़ के जरिए गमला बना लिया है, भर दिया है मिट्टी लाकर, और स्ट्रॉबेरी फूल गोभी इस तरीके के पौधे जो है। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि स्ट्रॉबेरी पौधा जो होता है उसमें कम्प्लीट धूप नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ सुबह का लाइट धूप चाहिए, तो उसके लिए 2 घंटे का धूप ही काफ़ी है, और उसी को मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे ये पूरब साइड है, 2-3 घंटे धूप आते हैं यहाँ पे बस सुबह में। देखिए ये अपार्टमेंट की खिड़की है, और इसमें भी धनंजय जी ने जुगाड़ से किस तरीके से देख सकते हैं कि गोभी लगा दिया। ये अपने फ्लैट के चारों ओर जहाँ भी खिड़की है इनके घरों पर, ये इस तरीके से खिड़की के बाहर इन्होंने फाइबर के ज़रिए मदद से इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं देसी जुगाड़ के ज़रिए मिट्टी भर दिया है और गोभी का पौधा जो है लगाया है, और कुछ वक्त बाद 1-1.5 महीने बाद इन्हें हार्वेस्ट करने को भी मिलेगा। तो क्या एक तरह से सलाह देंगे जो लोग करना चाहते हैं अपार्टमेंट पे रहते हैं? मेरी सलाह है कि अगर आपको शौक है तो इस शौक को बिल्कुल पूरा कीजिए, और आज ही पूरा कीजिए। हाँ। ये इतना बढ़िया शौक है कि आपका टाइम भी पास होगा, मन भी लगेगा, और एक मन को संतुष्टि मिलेगी, आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। थैंक यू। और आपकी पत्नी का कितना सपोर्ट रहता है? पत्नी भी बहुत देखती है, ध्यान देती है, और हमारे नहीं रहने पे वही सारे सब ये पौधों का देखभाल करती हैं। हाँ, आप आ जाइए इधर। अच्छा लग रहा है गार्डनिंग करने, नया नया आपने ये टेरेस गार्डनिंग कर रही हैं? हाँ, अच्छा बहुत लगता है। हाँ। और हरियाली के बीच में हम लोग यहाँ हमेशा चाय और कॉफ़ी का आनंद भी लेते हैं। हाँ। तो वो बहुत, मेरे पड़ोसी भी आ जाते हैं जब हम लोग चाय कॉफ़ी में बुलाते हैं। तो अब गोभी भी होगा इस बार? नहीं, लास्ट ईयर भी 35 गोभी हुआ था हम लोग। 35 गोभी आपने? 35 गोभी, और एक गोभी कम से कम 800 ग्राम का था गोभी, एकदम बड़े बड़े साइज का था, बाहर से ही नजर आता था वो सारा गोभी। और अभी हमारे हर्बल भी बहुत सारा है, ये तुलसी है, पान पत्ता है, अजवाइन का है, और ये ऑल स्पाइसेस। आप एक पत्ता उसका तोड़ कर देखिए, आपको उसका सारा गर्म मसाला का उसमें फ्लेवर है। अगर आपके पास गर्म मसाला नहीं है तो आप उसको सब्जी में डाल सकते हैं, एक पत्ता को किसी भी फेस्टिवल में। कुल मिलाकर कहें तो ये दंपति जो है पटना के छज्जू बाग में रहते हैं, और छोटी सी जगह है, बालकोनी है, और गार्डनिंग करते हैं, और किचन गार्डनिंग जितना भी जगह है इन्होंने इनके पास वो करते हैं, और ये आनंद में है गार्डनिंग करके। आप दोनों आनंद में हैं? बहुत खुश, बहुत खुश है। सबों कहें गार्डनिंग करना चाहिए। बिल्कुल गार्डनिंग करना चाहिए, एक बहुत अच्छा एंगेजमेंट है ये। हाँ। और बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत सुकून मिलेगा आपको इससे। सुकून कैसे मिलता है? जो नहीं समझ पाते हैं उनको समझाइए, हम तो समझते हैं। आप एक बार कर देखिए तो समझ में आ जाएगा। आप कुछ नहीं, एक पौधा अपने आप रोप लीजिए और उसका सेवा कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये प्यार की बातें हैं, जब तक करिएगा नहीं तब तक समझिएगा नहीं। चलिए, ये वीडियो बनाने का बस इतना सा मकसद था हमारा कि आपको ये दिखाएं और बताएं कि अपार्टमेंट में रहने वाले लोग भी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। और देखिए किस तरीके से इन्होंने जगह का इस्तेमाल किया, ये छज्जा है, मिट्टी भर दी है, नौबतपुर इनका से लाए थे मिट्टी, और गोभी इन्होंने बहुत सारे लगा रखे हैं, हालांकि बता रहे हैं कि गिलहरियों ने काफ़ी नुकसान पहुंचा। और ये मिट्टी कुछ अलग से कुछ करती हैं, मतलब इसके अंदर डालती हैं कि शुद्ध मिट्टी है? गोबर का खाद, गोबर और खाद, नहीं गोबर का ही खाद होता है। हाँ, मिट्टी, मिट्टी बस। हाँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं मिट्टी कंपोजिशन तैयार करने में, गोबर की खाद और मिट्टी डाल दिया और किचन गार्डनिंग में यही इस्तेमाल होता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं, अभी तक के लिए इतना ही है।